हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैंगो फ्रूटी, वो भी होममेड। तो हमें इसके लिए चाहिए दो मैंगोस, दो अनराइप मैंगोस, वन नाइफ, वन पीलर। तो अब हम मैंगो को छील लेंगे। तो अब हमने मैंगो छील लिए हैं, अब हम कच्ची कैरी भी ऐसे ही छील लेंगे। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो अब हमने इसे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम मिक्सी में इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। तो हमने इसे पीस के तैयार कर लिया और ये थोड़ा थिक होना चाहिए। अब आप इसे किसी भी कंटेनर में डाल लीजिए। आप कैरी को पीस लीजिए और आप मैंगोज और कैरी को साथ में भी पीस। तो हमने इन दोनों मिक्सचर्स को कढ़ाई में डाल लेना है और आप अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल सकते हैं। जब ये थोड़ा येलोइश कलर का हो जाए और स्टिकी हो जाए तब आप इसे गैस से उतार लीजिए। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा और इसमें प्रिवेंट करने के लिए एक चम्मच सिरका डाल लीजिए। आप इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए और इसे छन्नी से छान लीजिए कि इसका पल्प अलग हो जाए। ये फ्रूटी बिल्कुल रेडी है। आप इसमें 2.5 कप वाटर डाल लीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। आप इसे इंस्टेंट ठंडा करना चाहें तो आप इसमें आइस भी डाल सकते हैं।